मेरे चैनल में स्वागत है। आइए आज हम बनाएंगे लॉलीपॉप। आज हम पोटैटो लॉलीपॉप बनाएंगे जो कि बच्चों को तो देखकर ही खाने की इच्छा हो जाएगी। ये बनाना बहुत ही आसान है और ये झटपट बन जाता है। तो आइए हम पोटैटो लॉलीपॉप बनाना शुरू कर दें। अगर दोस्तों आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कीजिए ताकि आप मेरे और भी नए वीडियो देख सकें। तो आइए हम पोटैटो लॉलीपॉप बनाना शुरू करते हैं। पोटैटो लॉलीपॉप बनाने के लिए दोस्तों मैंने यहाँ पे 3 मीडियम साइज के बॉईल किए हुए आलू लिए हैं, आधा कप ब्रेड क्रम्स, ये फ्रेश ब्रेड क्रम्स है। मैंने ब्रेड की स्लाइस को मिक्सी जार में डाल के उसे पीस कर लिया हुआ है। 1/4 कप मटर, मटर को मैंने बॉईल करके लिया है। अगर आप ना चाहे तो ऑप्शनल है, इसे ना भी मत डालिए। और आपके बच्चों को प्याज पसंद हो तो आप एक छोटा प्याज को बारीक काट के भी डाल सकते हैं। 1/4 कप धनिया जिसे मैंने बारीक काट के लिया हुआ है। आधा कप हम लेंगे ब्रेड क्रम्स, 2 टेबलस्पून हमने मैदा लिया है, 1/4 छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स, 1/4 छोटा चम्मच मरी पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच काला नमक, नमक हम लेंगे स्वाद अनुसार, 1 छोटा हरा मिर्च और 1 छोटा टुकड़ा अदरक का जिसकी पेस्ट मैंने साथ में बना के ली हुई है, और हम आधा छोटा जितना चम्मच जितना नींबू का जूस डालेंगे, और हम टूथपिक का इस्तेमाल करेंगे लॉलीपॉप बनाने में। तो आइए अब हम लॉलीपॉप के लिए उसका मिक्सचर बना के तैयार करते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने पोटैटो को हाथी से स्मैश कर लिया है। इसमें एक भी गुठला ना रहे ऐसे हम स्मैश करेंगे। आप चाहे तो ग्रेटर से भी इसे स्मैश कर सकते हैं। अब हम इसमें हमारे मटर के दाने डालेंगे, हमारा कटा हुआ धनिया, ब्रेड क्रम्स, भुना हुआ जीरा पाउडर, काला नमक, ब्लैक पेपर पाउडर, चिली फ्लेक्स, अदरक और हरा मिर्च की पेस्ट, नमक और धनिया, सॉरी हल्दी पाउडर। और आधा छोटा चम्मच मैंने नींबू का जूस निकाल के डाला है। आइए अब हम सारी सामग्री को अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं ताकि सारे मसाले हैं वो आलू में अच्छे से मिक्स हो जाए। देखिए दोस्तों, हमारा आलू का मावा है वो तैयार हो गया है। अब हम इसमें नींबू का साइज का, छोटा नींबू का साइज का हमारा राउंड बॉल तैयार करेंगे, लॉलीपॉप बनाएंगे। देखिए दोस्तों, हमने ऐसा गोल लॉलीपॉप बना के तैयार किया है। अब मैं ऐसे सारे लॉलीपॉप बना के तैयार कर दूंगी और हम इसे सारे लॉलीपॉप को तैयार करके प्लेट में रख देंगे। देखिए दोस्तों, आप देख रहे हैं। देखिए दोस्तों, हमारे लॉलीपॉप बनके तैयार है। इतने आलू में से हमारे 9 लॉलीपॉप बनके तैयार हुए हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने मैदा लिया था, उसकी हम स्लरी बनाएंगे। तो उसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के इसे हिलाते हैं। इसकी कंसिस्टेंसी हम थोड़ी पतली रखेंगे, हमें ठीक स्लरी नहीं चाहिए। देखिए दोस्तों, हमारे स्लरी बनके तैयार है। आप देख रहे हैं स्लरी की कंसिस्टेंसी हमने कुछ इस तरह से ली हुई है। हम इसे अच्छी तरह से हिला लेंगे ताकि इसमें कोई भी गुठला ना रहे। मैंने यहाँ पे 1/4 कप से थोड़ा सा कम पानी का इस्तेमाल किया है। आइए अब मैं हमारी मैदे के स्लरी में हमारा जो लॉलीपॉप बना तैयार किया हुआ है वो डालेंगे। लॉलीपॉप को दोस्तों मैं स्लरी में चारों ओर से मैदा की स्लरी से कोट करूंगी। फिर हम इसमें हमारा जो तैयार किया हुआ ब्रेड क्रम से उसमें उसे चारों ओर लपेट देंगे ताकि ब्रेड क्रम से वो कोट हो जाए। आइए अब हम हमारे हाथों के बीच में ऐसा बॉल लेके उसे चारों ओर से घुमाते हुए ऐसे थोड़ा
हल्के हाथ से प्रेस करके हमारा ब्रेड कम से वो ऐसे दबा देंगे ताकि हमारा ब्रेड कम से वो चिपक जाए। ऐसे हम हमारे सारे भी लॉलीपॉप है उसे तैयार कर लेंगे। पहले हम उसे हमारी स्लरी में डिप करेंगे और स्लरी में ऐसे डिप करने के बाद हम ब्रेड क्रम्स में डालेंगे और ब्रेड क्रम्स को चारों ओर लॉलीपॉप को लॉलीपॉप में चारों ओर ब्रेड क्रम्स को लपेट के फिर देखिए हमारे हाथों में ऐसे लेके ऐसे करके हमारा ब्रेड क्रम्स से उसे अच्छी तरह से कोट कर देंगे। तो आइए दोस्तों हम हमारे सारे लॉलीपॉप्स है उसे इसी तरह से ब्रेड क्रम्स में और स्लरी में डुबो के कोट कर लेते हैं। आइए दोस्तों लॉलीपॉप फ्राई करने के लिए मैंने तेल गरम कर दिया है। अब हम इसमें हमारे लॉलीपॉप है वो डालेंगे और लॉलीपॉप को हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। आइए हम लॉलीपॉप को पलट देते हैं। देखिए दोस्तों हमें इसे उलट पुलट कर चारों ओर से गोल्डन होने तक फ्राई करना है। हमने यहाँ पे गैस को हाई फ्लेम पर ही रखा है। देखिए दोस्तों हमारे लॉलीपॉप फ्राई हो रहे हैं। अभी हम और इसे डार्क कलर होने तक फ्राई करेंगे। आइए दोस्तों हमारी जो लॉलीपॉप है वो अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे और बाकी बचे हुए हमारे जो लॉलीपॉप है उसे भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। आइए अब हम लॉलीपॉप को डाल देते हैं। देखिए दोस्तों पोटैटो लॉलीपॉप्स हमारे सारे फ्राई करके तैयार हैं। हमने इसे सभी प्लेट में निकाल लिए हैं। मैंने इसे यहाँ पे मेयोनीज के साथ सर्व किया है क्योंकि बच्चों को बहुत ही भाता है। अगर आप चाहें तो टोमेटो केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं, इमली की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। दोस्तों आप इस रेसिपी को घर पे जरूर ट्राई कीजिए और फिर मुझसे शेयर कीजिए कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। देखा है दोस्तों आपने हमने पोटैटो लॉलीपॉप कितना जल्दी से और आसानी से घर पे बना दिया। आप इसे घर पे जरूर ट्राई कीजिए, आपको बच्चों को बहुत भाएगा। आप इसे आपके बच्चों को शाम को स्नैक्स में या फिर आपके घर में पार्टी हो तो स्टार्टर के रूप में भी सर्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए। अगर दोस्तों आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरे और भी नए वीडियो देख सकें। दोबारा फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।